जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35 को हटे 2 साल से ज्यादा का समय हो चुका है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका जिक्र हम क्यों कर रहे हैं, तो इसका जिक्र बहुत ही जरूरी और अहम बन जाता है तब जबकि धारा 370 के नाम पर एक क्रिकेट टूर्नामेंट या फिर कबड्डी टूर्नामेंट जो है वो होने वाला हो। जी आप बिल्कुल सही सुन पा रहे हैं, गुजरात में अमित शाह की जो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है गांधीनगर, वहां पर एक टूर्नामेंट जो है वो शुरू होने वाला है, एक क्रिकेट टूर्नामेंट और एक कबड्डी टूर्नामेंट जो है वो शुरू होने वाला है। और इस क्रिकेट टूर्नामेंट का नाम जो है वो फिलहाल गांधीनगर लोकसभा प्रीमियर लीग 370 रखने की तैयारी जो है वो की जा रही है। हालांकि प्रपोजल जो है वो भेजा गया है, अभी फाइनल डिसीजन नहीं लिया गया है, लेकिन ये टूर्नामेंट जो है वो अगले महीने यानी कि दिसंबर 15 से शुरू हो जाएगा। जानकारी यहां तक है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने तमाम एमपीज को ये कहा है कि अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में आप टूर्नामेंट करवाइए, क्योंकि बहुत सारा टैलेंट जो है वो हमारे दूर दराज के इलाकों में है और वो टैलेंट यहाँ से सामने आएगा। ये बात तो समझ आती है कि टैलेंट तो बहुत है हमारे देश में जिसको सामने आना भी चाहिए, चाहे वो क्रिकेट का हो या फिर कबड्डी का हो, लेकिन धारा 370 के नाम पर टूर्नामेंट करवाना ये किस हद तक सही है ये बात समझ नहीं आ रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि गुजरात में जो गांधीनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो अमित शाह की लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है और धारा 370 इस टूर्नामेंट का नाम 370 इसलिए रखा गया है ताकि वो अपने एमपी को अपने सांसद को से रिलेट कर पाए। आपको याद होगा वो ऐतिहासिक उस के तहत जो है धारा 370 और 35 को जम्मू कश्मीर में से अब यह एक नया ट्विस्ट आया है। धारा 370 यानी कि 370 के हटने के बाद अब अमित शाह की कॉन्स्टिट्यूएंसी गांधीनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी जो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहां पर एक क्रिकेट टूर्नामेंट और कबड्डी का टूर्नामेंट होने जा रहा है जिसका नाम 370 रखा जाएगा। आपको मैं ये भी बताना चाहूंगा कि इंडिया ने छापी है और टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक जो है, अगर टाइम्स ऑफ इंडिया की माने तो गांधीनगर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी जो अमित शाह की कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहां पर क्रिकेट टूर्नामेंट की तैयारी चल रही है और जिस क्रिकेट टूर्नामेंट का नाम जो है वो गांधीनगर लोकसभा प्रीमियर लीग 370 जो है उसको फिलहाल तो घोषित किया गया है और इस पर डिसीजन या हो सकता है कि आला हाईकमांड जो है वो इस नाम को बदल दे, लेकिन वहां के जो कार्यकर्ता है उनका ये कहना है कि रखा है ताकि अपने सांसद को इससे रिलेट कर पाए, ताकि ये बता पाए कि अमित शाह ने जो है वो 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से और 35 को हटा दिया था। हो सकता है कि ये मानसिकता लेकर जो है वो कार्यकर्ताओं ने इस टूर्नामेंट का नाम जो है वो गांधीनगर लोकसभा प्रीमियर लीग 370 रखा है। लेकिन सवाल यहां पर ये आता है कि क्रिकेट को जेंटलमैन का खेल कहा जाता है, जेंटलमैन है कि अब खेल में भी धारा 370 को घुसाया जा रहा है, यानी कि खेल में कहा जाता है कि सियासत और खेल को दूर दूर होना चाहिए, खेल में सियासत नहीं होनी चाहिए और सियासत में खेल नहीं आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जनाब धारा 370 को ही जो है वो इस टूर्नामेंट में घुसाने की कोशिश की जा रही है। आप लोगों की इस बारे में क्या राय है? जो गांधीनगर लोकसभा प्रीमियर लीग 370 टूर्नामेंट की तैयारी चल रही है गुजरात में, क्या ये धारा 370 पर इस टूर्नामेंट का होना सही है या गलत है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। आप लोग देखते रहे अगली पोस्ट, कैमरामैन गगन के साथ देव ठाकुर, जम्मू।